सध्या आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रिंटचे कपडे घालतो, त्यातलंच एक प्रिंट म्हणजे बाग प्रिंट. पण हे प्रिंट नेमकं कुठे आणि कसं केलं जातं याबद्दलच आढावा घेतलाय आमची प्रतिनिधी कोमल आचरेकर हिनं, आणि तेही थेट मध्य प्रदेशात जाऊन. चला तर मग पाहूयात हे प्रिंट नेमकं होतं तरी कसं. मध्य प्रदेशातील बाग हे जितकं त्यांच्या लेण्यांसाठी फेमस आहे तितकंच ते फेमस आहे इथल्या बाग प्रिंटिंगसाठी. हँडब्लॉक प्रिंटिंगचा हा एक प्रकार आहे जिथे नैसर्गिक रंगांचा वापर केला जातो. मी आता आहे खत्री यांच्या कारखान्यामध्ये, त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊयात की हे बाग प्रिंटिंगचं काम नक्की कसं चालतं ते. हमारा मतलब पुस्तैनी काम है और इसमें हमने कुछ ज़्यादा बदला नहीं है. जैसे आज से 100 साल पहले जैसे काम होता था उसी टाइप से हम मतलब उसमें बहुत कम चेंज में आज काम कर रहे हैं. तो इसको अपन कपड़े को लेके धो लेते हैं, धो के सुखाते हैं. सुखाने के बाद फिर इसको अरंडी का तेल और सेंचोरा रा सोल्ट और कस्टर्ड ऑयल और बकरी की मैंगनी के मतलब जो है उसको पीस के इस कपड़े को मतलब रात भर कपड़े को डुबा के रखते हैं, निचोड़ के रख देते हैं ताकि वो एक ऐसी कच्ची जगह पे जिससे गर्मी ज़मीन की और जो उसमें मैंगनी डाली अपन ने खाद उसकी और संचोरा और अरंडी का तेल ये काम करता है अपने डिट्रोजन का जो अपन सर्फ का जो होता है ना उस टाइप से मतलब पुराना पद्धति के हिसाब से उसको काम में लेते हैं. तो ये रात भर रखने से उसके अंदर गर्मी पैदा होती है और जो धागे हैं उस धागों के अंदर मतलब रेसे रेसे में उसका पूरा ये नमी जाके और सॉफ्ट कपड़ा हो जाता है और जो मांड और कलफ और जो है वो ख़त्म हो जाता है उसके अंदर. तो ये कपड़ा धोने का फिर दूसरे दिन खरा प्रोसेस करते हैं अपन, तीन बार उसको धोते सुखाते हैं. तो फिर एक बहते पानी में चौथी बार में धो के साफ, दो तीन दिन लग जाते हैं उसमें धो के सुखा के और फिर उसमें हेड़ा देते हैं. फिर ये प्रिंटिंग के लिए कपड़ा तैयार हो गया सूखने के बाद, घड़ी करके फिर प्रिंटिंग के लिए तैयार हो गया. तो फिटकड़ी से लाल रंग बनाते हैं हम, फिटकड़ी से लाल रंग बनाते हैं और लोहे से काला रंग बनाते हैं. तो ये दिखने के लिए रंग डाल दिया अपनों ने और ये जाली वगैरह लगा दी इसकी. करीब 8-10 दिन तक इसको कपड़े को गट्ठा बांध के ऐसा मतलब बंडल बना के रख देते हैं और नदी में जैसे पानी बह के जा रहा है तो रिवर्स दिशा में इस कपड़े को पकड़ के खींचते हैं अपन, जिससे रिवर्स दिशा में खींचने से वो सब उसके जो मांड जो कलप जो दे रहे हैं अपन इसके अंदर जो गोंद वगैरह जो प्रिंटिंग किया है वो निकल जाएगा. फिर इसको धोते हैं अपन, धो के फिर ले आते हैं उसको मतलब फिर उसमें मतलब कलर वलर जो है ना वो बिल्कुल हल्के हल्के दिखते हैं धोने के बाद में. फिर इसको अपन भट्टी में करते हैं, भट्टी में उकालते हैं जैसे अलीजरीन आल की जड़ का जो सांदा और धावड़ी के फूल उसको डाल के उकालते हैं. करीब 2.5 से 3 घंटे उकालने में लगते हैं. तो जहाँ पे फिटकड़ी लगी हुई होती है वहाँ पे गहरा लाल रंग मैरून कलर हो जाता है और जहाँ काला लगा हुआ होता है जहाँ कलर से प्रिंटिंग होती है वो गहरा काला हो जाता है और जो हेड़ा होता है वो सफ़ेद हो जाता है. फिर वो भट्टी में करने के बाद में सब चीज़ें हट के और फिर पक्के कलर और गहरे और खूबसूरत उसमें कलर बन जाते हैं. बाग प्रिंटिंगमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या नैसर्गिक रंगांमुळे ते जास्त उठावदार आणि चांगले वाटतात. त्यामुळे कसं आहे की साड्यांमध्ये, कुर्तीजमध्ये किंवा स्टोलमध्ये सुद्धा हे बाग प्रिंटिंगचे कपडे उठावदार दिसतात. हेच जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर मध्य प्रदेशातल्या ह्या बाग गावात तुम्ही नक्की भेट द्या आणि ह्या कसे केले जातात हे सुद्धा पहा. कॅमेरामन अजित कदमसह मी कोमल आचरेकर, ABP माझा बाग.